क्लास 11वीं के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाके दावे में। फाइनली आपका यहाँ पर अच्छा 11वीं का रसायन पेपर हो चुका है और साथ ही स्टूडेंट अगर आपने मेरा पेपर देखा तो आपका पूरा पेपर यहाँ पर अच्छा गया होगा। और साथ ही आप यहाँ पर देखते जो आपका यहाँ पर रियल पेपर है पूरा जो यहाँ पर देखते पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर है। और साथ ही जो स्टूडेंट मैंने आपके पेपर डाला था मैंने जो आपके यहाँ पर पेपर डाला था उसमें आपका कितना यहाँ पर रियल पेपर आया है मैं आपको पूरा यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखते ए वाला ए मेरा पेपर है और ये आपका यहाँ पर ये आपका पेपर है। यहाँ पर देखते हैं ये आपको जो यहाँ पर पेपर हो चुका है ये आपका पेपर है ए वाला मेरा पेपर है। तो पहला आपके यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आपके पहले यहाँ पर सही विकल्प में आपको दिया था एस टी बाई एक मोल ऑक्सीजन गैस बराबर है। तो इसका जो आपके यहाँ पर आंसर आप यहाँ पर देखते हैं और मेरा पेपर देख लीजिए आप यहाँ मेरा पेपर देखते हैं यहाँ पहले ही आपको एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ फंसा एस टी बाई एक मोल ऑक्सीजन गैस बराबर है। और साथ ही यहाँ पर हम दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं और साथ ही आप यहाँ पर देखते हैं जो आपके ये वाला क्वेश्चन आता है यहाँ पर देखते हैं ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन के मसा फोर आपका छोड़ मर जाते हैं कहलाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट देख सकते हैं ऐसे तत्व जिनमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मसा फोर आपका छोड़ मर जाते हैं कहलाते हैं। तो स्टूडेंट ये वाला मेरा पेपर है ये आपका जो यहाँ पेपर हो चुका है ये आपका पेपर है। तो स्टूडेंट देख सकते कितना यहाँ पर फंसा और यहाँ पर देख लेते हैं और साथ ही यहाँ पर जो आपकी सहयोगी यहाँ पर देख लेते हैं सहयोगी देख सकते पूरी आपकी सहयोगी फंसी है यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं जो आपके यहाँ पर सहयोगी वो पूरी आपकी फंसी यहाँ पर पहले दिख लीजिए आप अपनी सहयोगी दिख लीजिए जो आपका पेपर है आप उसकी सहयोगी दिख लीजिए और फिर आप यहाँ पर जो हम मेरा पेपर है जो मैंने आपका डाला था यानी तो आप दिख लीजिए वो आपकी यहाँ पर एक मिला ही पहली आपकी ऑथराइज्ड गैस तो यहाँ पर ऑथराइज्ड गैस हीर की संरचना हैलोजन तो हैलोजन और CH4 तो CH4 यहाँ पर देख लीजिए और क्षारीय मृदा यहाँ पर क्षारीय मृदा धातु तो ए वाली यहाँ पर नहीं है और क्षार धातु यहाँ पर देख लीजिए क्षार धातु यानी आपकी वो पांच यहाँ पर सहयोगी पूरी फंसी हुई है यहाँ पर देख लीजिए वो पूरी आपकी यही सहयोगी आई है। तो ये आपके यहाँ पर सहयोगी की बात हो गई और साथ ही जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान है तो हम रेगिस्तान की बात कर लेते हैं यहाँ पर तो आपकी जो यहाँ पर रेगिस्तान है आप यहाँ पर देख लीजिए तो जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान आए हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके पहले यहाँ पर दिया गया था कौन सा आपके यहाँ पर दिया गया देखिए रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में होती है। तो आप हम मेरे जो मैंने आपका पेपर कराया था रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में होती है देख लीजिए वो आपका यहाँ पर बहुत सारा पेपर यहाँ फंसा है यानी आपके 50-60 नंबर का पेपर फंसा है। और साथ ही हम यहाँ पर और भी आपका देख लेते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं अति व्यापन से यहाँ पर जो आपका सेट बी का पेपर है अगर आपने मेरा यहाँ पर सेट ए और बी का पेपर पूरा यहाँ पर रीड कर लिया होगा तो मेरे यहाँ पर सेट ए और बी से जो आपका यहाँ पर सेट ए का पेपर बना पूरा बना है आपका सेट ए और बी से। तो साथ ही आपके यहाँ पर और भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो मिकी काउंटर संख्या दोनों संबंधित है देखिए पूरा क्वेश्चन आपके यहाँ पर मिल रहा है पूरा खरीदता आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। और साथ ही आपके यहाँ पर जो 18 ग्राम वाला है तो ये आपका सेट बी में मिल रहा है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा सेट बी का पहले हम यहाँ पर आपके एक शतवाक में उत्तर देख लेते हैं। तो आप एक शतवाक में उत्तर आते हैं तो मेरे आप यहाँ पर एक शतवाक में उत्तर देख लीजिए यहाँ पर एल ए सी ओ का पूरा नाम आपको यहाँ पर देखना है तो एल ए सी ओ का पूरा नाम यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा आपका एल ए सी ओ का पूरा नाम यहाँ पर देख लीजिए एल एस सी ओ का पूरा नाम और देखते नाप की आवश्यक वृद्धि होने पर आवास में प्रवाहित जवाब क्या प्रभाव होगा तो देखते नाप की आवश्यक वृद्धि होने पर आवास में प्रवाहित जवाब क्या प्रभाव होगा देखते स्टूडेंट को पीड़ा आपको वो वैसा फंसा है। और साथ ही यहाँ पर हम आपके और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं और यहाँ पर आपके जो यहाँ पर दिया जाए किसी अड़ू का यहाँ पर आपका यहाँ पर और भी क्वेश्चन यहाँ पर फंसे हैं पूरे आप चलिए आपके यहाँ पर जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे मैं तो ये तो आपकी करा दिए यहाँ पर बता दिए हैं कि आपका कितना यहाँ फंसा था आप जो आपके क्वेश्चन है यहाँ पर तो हम क्वेश्चन में आपको मैं यहाँ पर मैच करा देता हूँ। तो यहाँ पर देते पहले आपको क्वेश्चन यहाँ पर आता है स्तर अनुपात का नियम तो आप मेरे पेपर दे लीजिए स्तर अनुपात का नियम गैलुसोक का नियम तो गैलुसोक का नियम देख लीजिए अथवा वो सेम टू सेम फंसा है और सीमांतर अभिक्रमक सीमांताभिक्रमक यहाँ पर देख लीजिए और यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिया गया यहाँ पर गुणित अनुपात का नियम यानी जो जो स्टूडेंट मेरा पेपर है तो वो आपके यहाँ पर जो आपका पेपर है तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो आपका पाँचवा क्वेश्चन है वो छवां कर दिया गया यानी जो आपका पाँचवा क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर छवें क्वेश्चन में कर दिया है। तो इतना बस यहाँ पर फर्क है और पूरा सेम टू सेम फंसा है आपका पेपर और परमाणु के मांग किसे कहते हैं परमाणु की संख्या किसे कहते हैं द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं देख लीजिए ये आपका पेपर है ये मेरा पेपर है यानी जो मैंने पेपर आपका कराया था क्वांटम संख्या किसे कहते हैं तो क्वांटम संख्या आप देख लीजिए रही आपकी क्वांटम संख्या और ये एन प्लस एन का नियम तो ये रहा आपके यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको एन प्लस एल का नियम यहाँ पर देख लीजिए एन प्लस एल का नियम यहाँ पर देते हैं और पावली का अपजन नियम और साथ ही हम आपका पूरा यहाँ पर मिलाने वाले हैं और यहाँ पर आपके और भी हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूरा हम यहाँ पर आपका करने वाले हैं तो आपको पूरा यहाँ पर देखना है अच्छी तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपके यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर मेरे पेपर से वो फंसे हैं और साथ ही हम यहाँ पर सेट आपके यहाँ पर बी की बात कर लेते हैं सेट ए की मैं आपको बता दिया और भी आपके क्वेश्चन दिए हैं जो कि आपके यहाँ पर मेरे सेट ए से आपके सेट बी में यहाँ फंसे हैं और आपके जो कक्ष और आपको जो सेट बी का पेपर मैंने डाला था तो जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान है यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखते जो आपके सेट ए के यहाँ पर रेगिस्तान है सेट ए के रेगिस्तान तो यहाँ पर देख लीजिए सेट बी के रेगिस्तान आप मिला सकते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेट ए का पेपर है आपका, तो सेट बी के आप रिक्शन देख लीजिए, पूरे आपके मिले हैं यहाँ पर 18 ग्राम और चुंबकीय वर्ण संख्या ऐसे अति व्यापन और जो आपका रासायनिक बंदी का वो नहीं है यहाँ पर। और साथ ही आपके यहाँ पर 4-5 यानी खालिस्तान आपकी सेट बी के पेपर में आए हैं। और साथ ही जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है इसके हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आए हैं। इसमें कच्छ और कच्छक में 3 अंतर अगर आपने यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कच्छ और कच्छक में अंतर यहाँ पर देख लीजिए, यानी बहुत सारे आपके क्वेश्चन है यहाँ पर स्टूडेंट आपके। अगर आपने यहाँ पर मेरा सेट ए और बी पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया होगा यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपने यहाँ पर सेट ए और बी पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया होगा तो आपके यहाँ पर 50 या 60 नंबर आ जाएंगे केमिस्ट्री में। जिसने भी मेरा पेपर देखा तो उनके यहाँ पर 50-60 नंबर पक्के आए होंगे, क्योंकि वो मैंने पूरा आपका संपूर्ण सोचा चरित कराया था। तो स्टूडेंट अगर आपको यहाँ पर टॉप करना हर पेपर में और आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन आपको यहाँ पर 60-70 नंबर लाना है तो इस चैनल को सही कर लीजिए, क्योंकि आपको जो यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर होने वाला, गणित का होने वाला, अंग्रेजी का होने वाला, तो सभी विषय के आपको इसी चैनल पर पेपर अपलोड कराए। चैनल को सही कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके यहाँ पर पेपर आने वाले, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।